वरोरा औद्योगिक कॉलोनी के लिए अधिग्रहित भूमि का अतिरिक्त मुआवजा नहीं देने के मामले में वरोरा सिविल सत्र न्यायालय द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय में सामग्री जब्त करने के आदेश के बाद जिलाधिकारी कार्यालय में हड़कंप मच गया। 30 साल के लगातार संघर्ष के बाद पीड़ित किसान मुस्तफा बोहरा ने अपने मजदूरों के साथ कार्रवाई करने पहुंचे तो सनसनी मच गई। इस बीच बोहरा को सामग्री ले जाने से रोकने के लिए जिला प्रशासन ने जिलाधिकारी कार्यालय के दोनों मुख्य प्रवेश द्वारों पर वाहन खड़े किए, इसलिए बोहरा जब्ती कर कोई सामान बाहर न ले जा सके। जिलाधिकारी कार्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारी सहमे हुए थे। जब्ती और वो भी जिलाधिकारी साहब की कुर्सी की तौबा तौबा। सूत्रों के मुताबिक वरोरा में MIDC की स्थापना के लिए 1992 में कम से कम 40 किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया था। इसमें बोहरा के 7 एकड़ की खेती अधिग्रहित की गई। उस समय प्राप्त राशि मुस्तफा बोहरा काम मिलने से और कीमत बढ़ाने हेतु मुस्तफा ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अंत में अदालत ने बोहराओं के पक्ष में फैसला सुनाया और बड़ा हुआ मुआवजा देने के आदेश दिए, लेकिन जिला प्रशासन ने इस और कोई ध्यान नहीं दिया। कम से कम 6 माह पूर्व भी ऐसी स्थिति बनी थी, तब तत्कालीन जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया था जब यह पूरा नहीं हुआ है तो एक बार फिर बोहरा को अदालत में अपील करनी पड़ी। चूंकि कोर्ट ने बोहरा की देय राशि की सामग्री को जब्त कर अगले आदेश तक अपने पास रखने का आदेश दिया था, इसलिए आज 7 सितंबर को सुबह 11 बजे के करीब बोहरा जिलाधिकारी कार्यालय में दाखिल हुए, लेकिन उन्हें कोई भी सामग्री जब्त करने की अनुमति नहीं दी गई। मुस्तफा बोहरा सारा दिन माल जब्त करने के लिए कोशिश कर रहे थे। इसी बीच उन्होंने जिलाधिकारी से मुलाकात की। उन्होंने जब्ती के लिए लाए गए मजदूरों, ट्रक, बिजली मिस्त्री आदि की जानकारी दी, लेकिन बोहरा कोई सामग्री जब्त नहीं कर सके। जिलाधिकारी ने पुलिस को भी बुला लिया था। शाम 6 बजे बोहरा को स्थगनादेश दिए जाने के कारण उन्हें वापस जाना पड़ा। यह रोक 12 दिसंबर तक प्रभावी रहेगी। बढ़े हुए मानदेय का चेक न्यायालय में जमा करें। इस संबंध में जब जिलाधिकारी विनय गौड़ा से चर्चा की गई, तो उन्होंने कहा कि इस मामले पर MIDC प्रशासन से चर्चा की गई है। अगले 2 दिनों में बड़ा हुआ मानदेय का चेक कोर्ट में जमा कर दिया जाएगा। यह आश्वासन जिलाधिकारी विनय गौड़ा देने से मुस्तफा बोहरा ने 12 दिसंबर तक रुकने का मन बना लिया है। हम सवेरे आज 11 बजे से कलेक्टर ऑफिस में बेलीफ के साथ जब्ती वारंट के लिए आए थे। उसमें जो गुप्ता पीए है, गुप्ता सर पीए, उन्होंने हमको 1 से 1.5 घंटे का टाइम मांगा था। हम 1:30 बजे फिर और कलेक्टर साहब के पास गए। अभी हमारे को जब्ती का कोर्ट का ऑर्डर है, आप जब्ती करने दीजिए, हमारे को जब्ती करने से आप रोकिए मत। तो कलेक्टर साहब ने बोला कि आपको पैसे मिल जाएंगे, आप फिक्र मत करिए, आपको आज शाम तक का चेक दे देंगे। शाम हो गई, उसके बाद एक बार और 4:15 बजे गए, उसके बाद 4:45 बजे गए चेंबर में। उसके बाद में चेंबर में जाने के बाद उन्होंने बोला कि आप चुपचाप साइलेंट बैठिए वहाँ पे जाके मेश्राम साहब के चेंबर में। आप इधर उधर किसी को तकलीफ दे रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम कोई डिस्टर्ब किया नहीं, किसी को तकलीफ दिया नहीं। हमारे साथ बिलीफ साहब थे, उनके पास बिलीफ रिपोर्ट है, वो बिलीफ साथ में ही थे। हमने किसी को तकलीफ दिया नहीं, हम अपने काम से थे। हमारे जो लेबर वगैरह थे वो सब बाहर थे। फिर थोड़ी देर के लिए अंदर प्रीमाइसिस में आए कलेक्टर साहब के चेंबर में। हमको पहले कलेक्टर साहब की चेयर जो उठाने लेने की थी, जब्ती करने की थी, आखिरी तक का उन्होंने कलेक्टर साहब की चेयर जब्ती करने दिया नहीं। और टिल 6:00 6:05 तक का वो बेलीफ आया, उसमें हार्ड कॉपी में मेरे को बताया कि भाई अभी स्टे हो गया है 12/12/2022 तक का, इसलिए अब हम अपने स्टॉफ 15 का स्टॉफ लेके आए थे। लेबर, ट्रांसपोर्टर, तीन गाड़ी थी, लॉरी थी, एक 4-व्हीलर, 2 लेडीज, इलेक्ट्रिशियन, 2 कॉन्ट्रैक्टर, ऐसे स्टाफ पूरा चल के 12:12 तक का वेट करेंगे। उसके बाद हमारे एडवोकेट से एडवाइस लेके आगे की कार्रवाई करेंगे। BCN न्यूज के लिए चंद्रपुर से संवाददाता सुनील तायडे।